भाई को देखा हो बाकी कसर को नहीं मेरा मामू का बेटा है मेरा अस्सलाम वालेकुम ये मेरा मुर्शिद करीब हां ये मुर्शिद को बोलते आपको तो बताया था फिर से गलती से आई जा मुर्शिद साइड में बस तुम जरा ही बस तुम इधर आ रहा है साइड इधर आओ बस तुम भाई बस तुम इधर आओ यार सलाम दे बस तुम सलाम दे सलाम दे सलाम दे सलाम दे सलाम दे अस्सलाम वालेकुम जो यार कूलो के वालेकुम ये हमारे बैठे हैं उस्ताद ज़ुल्फ़िकार चांडियो साहब जो ये काम कर रहा बेटा है उस्ताद सलाम अलैकुम ये काना शागिर्द महीने वाला पैकेज है जोंग टू जोंग फ्री ये जो है पहले इसके जो थे ना एप्स पैक्स फैमिली नहीं थी अब ये वाले सलाम फैमिली पैक बन गया इसका तोंद देखो कितनी निकली हुई है तो ये खाते पीते घराने की निशानी है ये सही बाबे लेगारी साहब बैठा है ये मौजे शख्सियत अस्सलाम वालेकुम भाई जैसे कि जानते हैं साहब और हमारा ये बैठक जो बोल सकते हैं तो अरे तो कहाँ इसमें जो है ना परिंदे कबूतर वगैरह मोर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ये वार्ता था इसमें पालता था या वार्ता था ये ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ कहते हैं ना कम बैठा कर ये चूत कर डालते हैं गरीब आदमी को आगे आपको ये साबिर बलोच भाई बताएगा क्या बताएंगे क्या हेलो बच्चों हुआ है तो इसी वजह से हम आपको दिखाना चाहते हैं ये थोड़ा शक कर रहा था बोल रहा था यार बहुत लोग बैठे हैं अभी जाहिर नहीं हो रहा है दिखाएंगे फिर जाहिर होंगे इसलिए हम ईद का सीज़न जैसे चल रहा है ईद का सीज़न चल रहा है फिर हम देर नाइट लास्ट नाइट उर्दू सिंधी घाट आती है अस्सलामुअलैकुम गाइस जैसे कि आपको बोर नहीं कर दिया था यार दिया था तो फिर दे रहे हैं नए मुसलमान हैं तो ये जो है हम आपको बोर नहीं करेंगे अभी बारी बारी इन लोगों से आपको लोग दिखाए बताएंगे देखेंगे कौन इंटेलिजेंट बंदा बैठा है कौन होशियार है तो सवाल पूछेंगे इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी आएगा क्योंकि पूछने वाला मैं हूँ ना मेरे मजे तो सबसे पहले हमारा मौजूद शख्सियत गफ्फार उमरानी साहब बैठा है इससे हम एक सवाल पूछेंगे तो गफ्फार साहब वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर हैं वो नहीं है सर जवाब ही नहीं सर अच्छा मैंने बोला ये बोल रहा है कि परिंदा ही नहीं है सर परिंदा ही नहीं है नहीं है परिंदा है परिंदा कौन सा परिंदा है तो ये बाबे लगारी साहब आपको पहले भी बताया वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर है एक तो मैं अरे इंसान बैठा हूँ ठीक है चलो ठीक है इसको भी नहीं आया अभी ये हमारा मोहतरम जनाब बैठा है इससे कुछ दूसरे तरीके का सवाल पूछेंगे तो गलत मेरी फील्ड के हिसाब से तुम्हारी फील्ड के हिसाब से गलत मत समझना नहीं नहीं मेरी फील्ड के हिसाब से अच्छा आपकी फील्ड के हिसाब से तो आपको पता होगा ये शादीशुदा है उस हिसाब से हम सवाल पूछेंगे मेरी मर्जी ना होस्ट में हूँ तुम अभी अभी शादीशुदा है पूछेंगे कि वो दो गोल चीजें कौन सी हैं जो इन मर्द में नहीं है औरत में है वो दो गोल चीजें वो कौन सी चीजें हैं जो मर्द में है औरत में नहीं है तो ये साईं जन हमारा सोच में डूब गया पाकिस्तानी ये ईजाद करेगा वो कौन सी दो गोल चीजें हैं जो मर्द में नहीं नेगेटिविटी आती है ना तो कमेंट में वो तो आप कमेंट बताएंगे गलत मत सोचना जिसकी जितनी सोच होगी नहीं वो आपको कमेंट बताएंगे मुझे सवाल आता है पर वो आपको बताएंगे उन्होंने पहचान लिया मुझे पर मैं कैमरे पे आके नहीं कहूंगा ये होते हैं लेजेंड बंदे बेशर्मी की हद अभी खुद को नहीं आ रहा आप लोगों नहीं आ रहा है मुझे आ रहा है नहीं मैं कैमरे ये होती है लेजेंड इन लोगों ने कहा नहीं आता इसको नहीं आता अभी ये इसने अपनी इज्जत बचा ली तो काने फकीर से चल के पूछेंगे ये हमारा खदड़ा साहब है नहीं नहीं बाबू बाबू खोता साहब
तो वो कौन सी दो गोल चीजें हैं जो मर्द ने नहीं औरत ने? दो गोल है ना पक तो चूते हो तो मैं देख गया शादी शुदा वाले की खबर तू छड़े के छा खबर तुम छड़े को कैसे माना? ये 13 किस्म का आदमी है इसने कभी ये गुप्ते ने कुछ पूछ रहा है उससे चोटी जो गोल होते हैं नहीं उस्ताद से पूछेंगे फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा उस्ताद से पूछेंगे। आओ उस्ताद नहीं है पता तो मैं आपको बता रहा हूँ इन लोगों के सामने। तो हम सिंधी में लिखते हैं मर्द तो उसमें नुक्ता कोई भी नहीं होता, औरत लिखते हैं तो तारों के दो नुक्ते होते हैं ना वो औरत में है मर्द में नहीं है। मैंने इंसान में नहीं बोला वो कौन सी दो गोल चीजें हैं जो मर्द में नहीं है औरत में है। गलत नहीं मुझे आता था वो तुम्हारी सोच से वो तुम्हारी सोच से पता चल गया था तुम्हें आता था ये ऐसी वाली सोच थी जो हमें पता है आपको। याद करेगा। चलो दोस्तों ऐसे की हमारा वीडियो वसीम ये आपको कुछ साईं जन इरशाद फरमाएगा। ये मेरा बेटा है ये इरशाद फरमाएगा कुछ शायरी। मुझे तो अपनों ने लूटा घरों में क्या दम है बस अल्लाह मत्ता ना ये मेरा बेटा था इसने अभी ऐसा माना शायर बोला अपनों ने लूटा इसको मैंने ही लूट दिया ना इसलिए। चलो ठीक है अब साबिर भाई के पास चलेंगे। साबिर भाई तो जैसे आपका व्लॉग तैयार हो गया है तो आप कुछ साईं जन फरमाना चाहेंगे? यार लाइक करें फॉलो करें कमेंट करें अच्छे यार अच्छे अच्छे वीडियो बनाता है इसको लाइक करो फॉलो करो। मैं इतना फेमस नहीं हूँ जो आप मेरे कहने पे मानोगे पर गरीबी इंसानियत के नाते मौला गरीब को मिसाल है। ठीक है ओके अल्हम्दुलिल्लाह खुदा हाफिज़।